में आज हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग और कुछ अनोखी चीज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को समझने के लिए, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको मदद जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन से। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना है, एक बात जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, वो बात क्या है तो आप लिख सकते हैं या आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं। तो बात है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। किसके? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, क्या? रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन अच्छा बनाना है या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करवाना है तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको स्टेबिलिटी अच्छा या उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, तभी आपका मेजर प्रोडक्ट ईजली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेन जो आपको दिमाग में रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही हम टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का, साइक्लिक कार्बोकेटायन का पढ़ेंगे, ताकि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के फॉर्म में बने वो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग से। किससे? टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग, रेडी, टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। तो कितने टाइप की शिफ्टिंग आपको पढ़ने हैं? आपको सिर्फ तीन टाइप का शिफ्टिंग पढ़ना है, ठीक है, तीन टाइप का शिफ्टिंग। पहला जो, तो पहला है वो है 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब H माइनस को शिफ्ट कराने का, ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए कार्बोकेटायन का। दूसरा, दूसरा क्या है, 1.2 फिनाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग पीएच माइनस, ठीक, 1.2 फिनाइल शिफ्टिंग। एंड द थर्ड इज, थर्ड इज एल्काइल शिफ्टिंग, 1.2 एल्काइल, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, एल्काइल शिफ्टिंग, R माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, R मतलब एल्काइल, ठीक है। ये तीन टाइप का शिफ्टिंग को आपको पढ़ना है कि मतलब जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में बने उसको स्टेबल कैसे बनाए। अगर आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में बनने वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री हो, और आप देख सकते हैं कि अगर आप शिफ्टिंग करेंगे तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप शिफ्टिंग करवाएंगे क्योंकि आप स्टेबिलिटी की ओर मूव करना चाहते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग आप करवाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक शिफ्टिंग बताऊंगा तो आपको सब शिफ्टिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई अगर मैं, अगर हाइड्राइड हो, एल्काइल हो, फिनाइल हो, वो अगर एक ही कार्बन में अटैच हो, एक ही कार्बन में हाइड्रोजन, फिनाइल और एल्काइल अटैच हो, और कुछ और आगे कार्बन का चेन्स में
भी मतलब कार्बन का चेन सो, ठीक है। तो फिर ये तीनों में से किसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ये अगर ये तीनों को ही, तीनों में से किसको शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो आप तीनों को एक बार शिफ्ट करा के देखिएगा, तीनों को शिफ्ट करा के देखिएगा, जिस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा हो रहा है। कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे आप, या तो इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं, या तो आप प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी देख सकते हैं, या हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं। जिस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा, वही आप शिफ्ट करवाएंगे। अगर आप एच को शिफ्ट कराएं से स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप एच को करवाएंगे, ठीक है। अगर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन ये दोनों हो रहा हो, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। ये मैंने आपको, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग टोटली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आप हाइड्राइड को शिफ्ट करवा रहे हैं और उस केस में आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बना है, तो आप हाइड्राइड को शिफ्टिंग करवाएंगे, ठीक है। एक जनरल ऑर्डर है, एक जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर है। माइग्रेटरी, माइग्रेशन मतलब कौन पहले जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं जनरल, जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर, माइग्रेटरी ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, सबसे पहले एच माइनस, फिर पीएच माइनस, और फिर आर माइनस। एच माइनस, पीएच माइनस और आर माइनस, जनरली अगर ये तीनों अटैच हो तो आपको एच माइनस को मूव कराना है। ये जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर है। अब ये भी सियोरिटी नहीं है कि एच को मूव कराएंगे तो ही स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एक बार सबको शिफ्ट करवा के देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शिफ्ट शिफ्ट बोल रहे हैं, एक्चुअली शिफ्ट है क्या, कहाँ शिफ्ट करवाए, कहाँ लगा इसको, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे टीचर ने, मेरे केमिस्ट्री टीचर ने बताया था इसको याद करने का तरीका, काफी अच्छे केमिस्ट्री सर मेरे को मिले थे। तो इसको याद करने का तरीका है, हमारा प्यारा राजस्थान, क्या है, हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा था जब मेरे केमिस्ट्री टीचर ने बताया था मुझे, ठीक है, हमारा प्यारा राजस्थान, ये जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर, ठीक। तो चलते हैं शिफ्टिंग की ओर, शिफ्टिंग एक्चुअली कहाँ शिफ्ट करे, क्या शिफ्ट करे, अक्सर डाउट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग। आपको इतना तो पता चल गया 1,2 शिफ्ट करवाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक, ये चीज HCl, मैं ये जो है स्ट्रक्चर कार्बन का उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, या पूछ सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। तो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये सब भी आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी जो है, अभी जो कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग। आपको मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव कुछ पता नहीं है, ठीक है, उस बेसिस में आप कैसे करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको इतना पता है कि अगर आप HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, ठीक है, H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, ठीक है, ये हो गया HCl का कहानी खत्म। अब इसमें आइए, ठीक है। तो देखिए, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा या इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा या इधर टूटेगा, आप खुद देख सकते हैं। अगर आप इधर तोड़ेंगे, अगर आप इधर तोड़ेंगे तो जो CH3 है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां जो है माइनस, ठीक, और यहां पर भी माइनस,
यहाँ बॉन्ड तोड़ने से यहाँ पर भी माइनस 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 रिपेल करेगा, इसका मतलब आप इसको यहाँ नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? आपको समझ में आ गया ये आइडिया? तो मैं इसको कहाँ तोड़ूंगा? इधर, ठीक है? अब जैसे मैंने इसको यहाँ तोड़ा, जैसे मैंने इसको यहाँ तोड़ा तो क्या बना? छोटा, मैंने छोटा डायग्राम बना दे रहा हूँ उसका, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री लिखा हुआ है, ठीक है? सी एच बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ क्या आएगा? प्लस, ठीक? और यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा इधर? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मैंने उल्टा लिख दिया, मैं तोड़ रहा हूँ सी एच टू, ठीक है? अब देखिए यहाँ आएगा माइनस, ठीक, और यहाँ आएगा प्लस, ठीक है? ये हो गया, ऐसा हो गया। अब जो HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटा, ठीक, H प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो H प्लस बोलेगा कि भाई मेरे को जाना है जल्दी, H चला गया इधर माइनस की तरफ, H चला गया माइनस की तरफ, ठीक, माइनस की तरफ चला गया H, तो इनसॉर्ट क्या हो गया इधर? इनसॉर्ट यहां CH3 हो गया, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब बताइए कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन है ये? आपको दिख रहा होगा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप, अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं ये कार्बोकैटायन जो है यहां पॉजिटिव चार्ज, इसको 2 डिग्री में, 2 डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है? 3 डिग्री में। 2 डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है? 3 डिग्री में। इस केस में क्या होगा? ये पॉजिटिव को इधर लाना है तभी ये 3 डिग्री बन सकता है, ये चार्ज को इधर लाना है तभी ये 3 डिग्री बन सकता है, ठीक है? तो अब देखिए ये कार्बन में सी 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 अटैच है, ठीक, तो ये क्या करेगा? शिफ्ट करवाएगा, एल्काइल शिफ्टिंग। क्या करवाएगा? एल्काइल शिफ्टिंग। तो देखिए ये यहां से टूटा, ठीक, यहां आ गया पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, और ये इधर चला गया, ठीक है? यहां आ गया नेगेटिव और ये उधर चला गया, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? तो इंसर्ट क्या बन गया? ये कार्बन शिफ्ट होके इधर आ गया। ये है 1.2 एल्काइल शिफ्टिंग। यहां क्या था? CH3 था। क्या था? CH3। अब देखिए ये कार्बोकैटायन क्या, कौन सा डिग्री है? अब ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। था कितना पहले? 2 डिग्री, अब कितना हो गया? 3 डिग्री। स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? स्टेबल हो गया, ठीक है? स्टेबिलिटी मैंने इंक्रीज कर दी क्योंकि मैं जानता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेजर चाहिए था। ये सीएल अब यहां अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, और जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है? तो ये अच्छा खासा एग्जांपल है एल्काइल शिफ्टिंग को दिखाने के लिए, ठीक है? इस CH3 के जगह, इस CH3 के जगह अगर यहां H होता तो उस केस में डाउट आ जाता कि एल्काइल शिफ्ट करा है या हाइड्रोजन शिफ्ट करा है, हाइड्राइड शिफ्ट करा है। तो माइग्रेटरी ऑर्डर के हिसाब से हाइड्राइड शिफ्ट कराना चाहिए। तो चलिए अब हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखेंगे, तो आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये हाइड्राइड शिफ्ट करा है, ठीक है? यहाँ एच आ गया, ये हाइड्राइड इधर आ गया, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है? दूसरा एग्जांपल है ये, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ऐसा बना शिफ्टिंग कराने के बाद, ये ऐसा बना, क्या शिफ्ट कराया? हाइड्राइड शिफ्ट कराया। अब देखिए इधर
इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, एक दो और ये तीन, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज है बहुत ज्यादा ही है प्लस आई इफेक्ट, ठीक। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, तीन तीन छह दो आठ, एट अल्फा हाइड्रोजन, एट अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है, जब आप करवा रहे हैं उस केस में एट अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एल्काइल को शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, ये हाइड्राइड शिफ्ट करने के कारण बना, अब हम एल्काइल को शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, चेंज कर देते हैं, सी एच सी इधर आ गया, एच इधर, कौन सा डिग्री का कार्बोकेटायन है ये, अब आप देख सकते हैं कौन सा डिग्री है, ये है टू डिग्री कार्बोकेटायन। तो एल्काइल को शिफ्ट कराने से टू डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और हाइड्राइड को शिफ्ट कराने से थ्री डिग्री बन रहा है। तो आप खुद ही बताइए आप किसको शिफ्ट करवाएंगे, आप शिफ्ट करवाएंगे किसको, हाइड्राइड को, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप हाइड्राइड को शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यही है शिफ्टिंग का कंसेप्ट और यही है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। इन शॉर्ट टोटल जो रीअरेंजमेंट हो रहा है शिफ्टिंग का, उसी को हम लोग गारंटी बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। एक और आप ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये चीज मैं HCl में रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, टू डिग्री कार्बोकेटायन है, कौन सा, टू डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस टू डिग्री कार्बोकेटायन को, टू डिग्री कार्बोकेटायन को आपको थ्री डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सी एच थ्री, ठीक, कार्बन के साथ अटैच, सी एच थ्री, सी पॉजिटिव, एच थ्री, सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ये और इस कार्बन में एच, ठीक है। कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, कौन सा डिग्री है, सॉरी ये वन डिग्री कार्बोकेटायन है, वो दिख रहा है, टू डिग्री नहीं है ये, वन डिग्री है, एक कार्बन के साथ अटैच है, वन डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक, वन डिग्री है। अब मैं शिफ्टिंग किसको कराऊंगा, इसको या इसको, इसको या इसको, अगर आप इसको शिफ्ट करवा रहे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और ये टू डिग्री बनेगा, अगर आप इसको शिफ्ट करवा रहे तो ये थ्री डिग्री बनेगा, तो मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा, ठीक। मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करवाया, ठीक। तो इसको जब शिफ्ट करवाया, यहां H, यहां पॉजिटिव, अब कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन, थ्री डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो ये Cl- है, इसका Cl- ये इधर अटैक करेगा और फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एकदम इजी हो गया सॉल्व इजीली। तो ये है टोटल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का कंसेप्ट, ठीक। अब कार्बोकेटायन साइक्लिक फॉर्म में भी तो होता है, जैसे आप ले सकते हैं ये कार्बोकेटायन है, तो साइक्लिक फॉर्म में भी है। तो अब पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकेटायन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकेटायन। देखिए दो टाइप का है रीअरेंजमेंट साइक्लिक कार्बोकेटायन, दो टाइप का, मतलब दो टाइप नहीं बोल सकते, दो क्लासिफिकेशन इसका। एक या तो रिंग एक्सपैंड हो,
एक्सपेंशन ऑफ रिंग, एक्सपेंशन ऑफ रिंग, और दूसरा दूसरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, या तो एक्सपेंशन या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, अब लिख लीजिएगा स्पेलिंग कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ रिंग किस किस केस में पॉसिबल है, कार्बन थ्री का अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो कार्बन फोर में जा सकता है, कार्बन फोर का कार्बन फाइव, और लास्ट कार्बन फाइव का एक्सपैंड होके कार्बन सिक्स, ठीक। तो आप बोल सक अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रिंग को एक्सपैंड करना है रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पोजीशन में हो, एक्सपेंशन ऑफ रिंग व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज इन अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन में क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग में होना चाहिए चार्ज, किसमें, रिंग में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, रिंग में, रिंग के अंदर नहीं, रिंग में, मतलब रिंग में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। दिमाग में रखिएगा इसको, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक्सपेंशन का एग्जाम्पल और एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन का एग्जाम्पल। मैं इसको इधर रखता हूँ, अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, ठीक, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, उस केस में आपका कार्बोकेटायन ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बना। तो अब आपको इसको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं अगर कार्बन फोर हो, फोर वाला फोर मेंबर कार्बन चेन हो तो फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, सी फोर से सी फाइव, ये क्या है, वन टू थ्री फोर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, सी फाइव में, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस कार्बोकेटायन साइक्लिक कार्बोकेटायन इनटू फाइव मेंबर कार्बोकेटायन, फोर तो फाइव, थ्री है तो फोर, ठीक है, फाइव है तो सिक्स। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन में अटैच है उसके साइड वाला, उसके साइड वाला, ये आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके साइड कौन सा हो गया, ये, ठीक। मैं इसको इस बॉन्ड को यहाँ की तरफ तोड़ रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ की तरफ तोड़ा, जैसे मैंने इसको यहाँ की तरफ तोड़ा, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, नेगेटिव, ये दो पॉजिटिव, मतलब रिपल्सन होगा ज्यादा, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये वाला, ये और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा, इधर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब आप बोल ये सोच सकते हैं कि ये भी तो मिल सकता है, अगर ये जाएगा तो वापस वही तो बनेगा ना, तो हमें कार्बन फोर को कार्बन फाइव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बना लिया बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा, इसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो गया ना, कितना है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसमें नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर लेगा, ठीक है। तो ये था एक्सपेंशन ऑफ रिंग, वेरी केयरफुल होना है आपको इस केस में कि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पोजीशन में होना चाहिए, ये अल्फा है, ये कार्बन अल्फा कार्बन पोजीशन में है तो वहां पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अल्फा कार्बन ये है पॉजिटिव चार्ज,
आप समझ लीजिए कि रिंग क्या है, रिंग में नहीं होना चाहिए इन केस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया एक्सपेंशन ऑफ रिंग, मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, रिंग में है ना पॉजिटिव चार्ज, आपको दिख रहा है ना रिंग में पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? आपको एक तरीका खुद भी बना सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको जब आप एरो डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव होता है उसका नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन, ये मतलब यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ऑफ कोर्स यहां पर भी है, तो एक बार आप खुद इसको तोड़ के देखिएगा, इसको तोड़ के देखिएगा कि क्या हो रहा है। रिंग कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब चार है तो तीन में कन्वर्ट करना, कार्बन मेंबर फोर है तो थ्री में कन्वर्ट करना। अब एक बार इसको इसको तोड़ के देखिएगा, ठीक है, और आप खुद ही रीजन जान लेंगे कि मैंने इसको इसको क्यों नहीं तोड़ा, ठीक है। मैं तोड़ रहा हूं इसको, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, या नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव टूट गया ना बॉन्ड, पॉजिटिव इधर, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और लास्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा ये चीज, ठीक। तो ये था रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, पॉजिटिव चार्ज रिंग में होना चाहिए तभी आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक नया चीज बताऊंगा, एक अच्छा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए एक नई चीज की ओर, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस एक एक्सेप्शन, जेई हर समय एक्सेप्शन पूछ लेते ज्यादातर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस में क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये डांसिंग रेजोनेंस, इस स्ट्रक्चर को डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है, ओवरलैप ऑफ बेंट ऑर्बिटल के कारण, ठीक, मतलब जो ऑर्बिटल है बेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये बेंट ऑर्बिटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक, ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ बेंट ऑर्बिटल के कारण ये डांसिंग रेजोनेंस जहां पर भी आपको दिख गया मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेबल पहले से, ठीक। इसे क्वेश्चन या आप चाहे तो कार्बोकेटाइन जो बना अगर वो डांसिंग रेजोनेंस फॉर्म वाला में कन्वर्ट हो रहा है तो आप प्रायोरिटी उसी कन्वर्जन को देंगे, ठीक है। जनरली ये कार्बन फोर से कार्बन थ्री रिंग कॉन्ट्रैक्शन में यह मिलेगा आपको, ठीक, ये कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोकेटाइन, ठीक है, दूसरा कार्बोकेटाइन, और ये वाला
तीसरा कार्बोकेटन। अब बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको मैंने बता दिया है ये सब डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल हुआ, इसमें दो इसमें एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा है। ठीक, तो ये हुआ डांसिंग रेजोनेंस का। तो इतना ही था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन शिफ्टिंग में। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये केस समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। साथ साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आप इसे भी दिमाग में रखिएगा, आइसोट्रोपिक इफेक्ट, आइसोट्रोपिक इफेक्ट, आइसोट्रोपिक इफेक्ट, ये ठीक मतलब आइसोटोप्स है बी एच डी और टी। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण, जिसका जो आइसोटोप्स लो आइसोटोप्स जो होता है, जैसे हाइड्रोजन लो है उसका ड्यूटेरियम, उसका ट्यूटेरियम, तो जो लो आइसोटोप्स है वो ज्यादा वाइब्रेशन फेस करता है, ज्यादा वाइब्रेशनल बंद होता है वो। ठीक है, उसके कारण वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, बॉन्ड वाइब्रेशन के कारण ज्यादा स्टेबल होता है। सिंपल सा आप ये याद रखिएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट में लो वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ऐसे ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, तो ये था आइसोटोपिक इफेक्ट, इतना ही था आइसोटोपिक इफेक्ट में बेसिक, इतना ही था। एक जो है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक्स में आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस ई माइनस ई। तो मैं इस वीडियो में प्लस ई और माइनस ई डिस्कस तो नहीं करूंगा, बस बेसिक से बता दूंगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 उठाइए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हो गया। ठीक, प्लस प्लस सी डी, ये सी डी एक एजम्पशन मैंने माना, एक रिएजेंट, मतलब लोग सब एक रिएजेंट टाइप का, मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अगर आपको लेना ही है एक्चुअल एग्जाम्पल आपको चाहिए ही है तो आप ले सकते हैं, प्लस एच सी एल। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है, बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म होता है। इधर देखिए एच सी एल कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी एल, इधर क्यों टूटा, एच प्लस सी एल माइनस आया। ठीक, अब ये सिमेट्रिक है तो कहीं पर भी जाके लग सकता है, H प्लस इधर, बॉन्ड को कहीं पर भी आप तोड़ सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है ये, तो मैंने बॉन्ड इधर तोड़ा, उधर भी तोड़ सकते हैं आप, मैंने बॉन्ड इधर तोड़ा, समझिए। ठीक, ये नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, तो नेगेटिव को कौन खींचेगा, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ सी एल, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ। तो यही था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपको शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट और दो इफेक्ट के बारे में बताया, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।